सलमान खान से मिलने के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची प्रीति जिंटा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहा है। मोदी जी ने कहा है कि कानून के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिहादी मानसिकता वाले क्रिमिनल सलमान खान को जेल में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। उसने पैसे देकर जेल के सभी लोगों को खरीद लिया है। जोधपुर जेल में आतंकवादी सलमान खान को ठंडा एयर कंडीशनर एवं ताज होटल का खाना दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हम बहुत सारी ऐसी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो किसी दूसरे न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाई हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। कानकानी हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद फिल्म अभिनेता सलमान खान से मिलने के लिए शुक्रवार को फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा पहुंची। प्रीति जिंटा को बिना किसी अनुमति के और जांच पड़ताल के जेल में जाने दिया गया। जेल में सलमान खान को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इससे पहले सुबह भी सलमान से मिलने के लिए उनके मित्र जेल पहुंचे थे। सलमान की करीबी दोस्त प्रीति जिंटा दोपहर करीब 12:05 बजे एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल जेल पहुंची। जेल में गेट पर ना तो प्रीति जिंटा से हस्ताक्षर करवाए गए और ना ही उनकी कोई जांच की गई। प्रीति जिंटा को कोई देख नहीं पाए, इसलिए उनकी गाड़ी के शीशों पर अखबार लगाए हुए थे। प्रीति के साथ एएसपी स्तर का एक अधिकारी बताया जा रहा है। प्रीति अभी सेंट्रल जेल में है और सलमान खान से मुलाकात कर रही है। इससे पहले सुबह सलमान के बॉडीगार्ड और दोस्त भी उनसे मिलकर आए थे। उल्लेखनीय है कि सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने सलमान खान को कानकानी हिरण शिकार मामले में कल ही 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। उसके बाद सलमान को जोधपुर के सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 2 में रखा गया है। सेंट्रल जेल के बाहर सलमान के प्रशंसकों की भीड़ जुटी हुई है। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके।